उत्तर प्रदेश के 35 से ज्यादा गांवों में भेड़ियों का आतंक इस कदर फैला हुआ है कि यहां लोग न सुबह सुकून से रह पाते हैं और न ही रात को चैन की नींद सो पाते हैं। परिजनों को रात रात भर जागकर अपने बच्चों की रक्षा करनी पड़ती है और एक दूसरे के लिए परिवार वालों को कड़ा पहरा देना पड़ता है। मगर वन विभाग की टीम ने चार भेड़ियों के बाद अब पांचवें को भी थर दबोचा है। वन विभाग का कहना है कि महसी तहसील इलाके में 6 भेड़ियों का एक झुंड है जो बच्चों को निशाना बना रहा है। भेड़ियों के हमले में अब तक 9 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो चुकी है और कई घायल भी हैं। इनमें से एक और आदमखोर भेड़िया पकड़ लिया गया है जिसका वीडियो आपके सामने है। इस भेड़ियों को पकड़ने के बाद अब तक 5 भेड़िये पकड़े जा चुके हैं और वन विभाग 6ठे भेड़िये की तलाश में है। नहीं देखिए, जो ये 5वां भेड़िया हम लोगों ने पकड़ा है वो सिसैया एरिया में ही पकड़ा है हमने, और इसको जू भेजने की तैयारी है। किसी से वाइल्ड लाइफ साहब से कंसल्टेशन के बाद इसको जू भेज दिया जाएगा। पिछली बार तो गोरखपुर और लखनऊ भेजा गया, क्या वही है कि इसकी अतिरिक्त और कहीं? नहीं नहीं, गोरखपुर जू भेजने के बारे में बात हो रही है, अभी देखते हैं। गोरख अनुमति मिल जाती है, जहाँ की अनुमति मिलती है वहाँ भेजा जाएगा। कितना बड़ी सफलता मिली, कितनी बड़ी देश को ये ऑपरेशन था मैम, की आज बहुत बड़ी आप लोगों को कामयाबी मिली? ये बहुत बड़ा ऑपरेशन था और बहुत कामयाबी मिली। बहुत दिनों से हम लोग इन एनिमल्स को ट्रैक कर रहे थे और कल शाम को सूचना मिली थी कि इसने एक बकरी इसने उठाई थी और इसके पगमार्क्स भी मिले थे, तो इस पगमार्क्स को ट्रैक किया हम लोगों ने, ड्रोन से भी इसको देखा। और उसके बाद फिर चूंकि रात हो गई थी इसलिए रात को ऑपरेशन नहीं कर सकते थे, मॉर्निंग में हमने ऑपरेशन किया, मॉर्निंग में इसको हमने रेस्क्यू किया। जी एक बच्चा हुआ है, उसकी भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको भी रेस्क्यू करें। वन विभाग के सिसैया चूड़ामणी गांव से आदमखोर को पकड़ा गया है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग ने जाल, पिंजरे और ड्रोन कैमरे लगवाए थे। यहां पुलिस और वन विभाग की टीमें दिन रात गश्त कर रही है ताकि भेड़िये बच्चों को शिकार न बना पाए। कैसे पकड़ा गया भेड़िया आपको इस वीडियो में बताते हैं। बहराइच में इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए 5 वन प्रभागों बहराइच, कतरनिया घाट, वाइल्ड लाइफ, श्रावस्ती, गोंडा और बाराबंकी की लगभग 25 टीमें लगाई गई, जहां बहराइच के DFO इन भेड़ियों की संख्या कुल 6 बता रहे हैं तो प्रभावित इलाकों के ग्रामीण इनकी संख्या 2 दर्जन बता रहे हैं। इन गांवों में भेड़ियों की वजह से डर का ऐसा माहौल बना है कि लोग रात रात भर जागकर पहरा दे रहे हैं। अपने बच्चों और परिवार को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें अंधेरा होने के बाद घर के बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। इससे पहले बहराइच में भेड़ियों से लोगों को बचाने के लिए 200 पुलिस कर्मियों और देखकर ही मार गिराने वाले शूटरों को इन गांव में तैनात किया गया था। इसी के अलावा पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीमें रात में पेट्रोलिंग भी कर रही हैं। गांव वालों को सलाह दी गई है कि वो अपने बच्चों को सुरक्षित रखें, मच्छरदानी लगाएं और शाम के बाद किसी बच्चे को घर से बाहर ना निकलने दें। बहराइच के और आही गांव से भेड़ियों के आतंक की शुरुआत हुई थी। यहां भेड़ियों ने पहला अटैक छोटे मासूम 7 साल के बच्चे पर किया था। फिरोज नाम के बच्चे पर करीब 2 महीने पहले भेड़ियों के झुंड ने हमला कर दिया था। वो अपनी मां के साथ सोया था। रात करीब 12 बजे एक भेड़िया घर के बरामदे में घुसा और उसकी गर्दन दबोच कर भाग गया। इस दौरान उसकी मां दोनों पैर पकड़कर बच्चों को बचाने की कोशिश करती रही। भेड़िया बच्चे को करीब 200 मीटर दूर तक खेत में घसीट कर ले गया। जब उसकी मां ने शोर मचाया तो गांव के लोग जुटे और फिर वो भेड़िया बच्चे को गांव के पास खेत में छोड़कर भाग गया। खून से लथपथ फिरोज को फिर परिवार और गांव के लोग अस्पताल ले गए, जहां 13 दिनों तक इलाज के बाद उसकी जान बची।